प्रदेश के जनपद शामली के DMSP द्वारा कराना मीट प्लांट के औचक निरीक्षण के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर के कई स्थानों पर ताबड़तोड़ छापामारी की। इस दौरान SDM व CEO ने जहानपुरा रोड पर बड़ी मात्रा में मृत पशुओं के खाल के 2 गोदामों पर भी छापा मारा। इसके बाद DMSP स्लॉटर हाउस की जांच को पहुंचे। DMSP से लोगों ने शिकायत की कि शहर में अनेक स्थानों पर खुलेआम अवैध कटान हो रहा है। गोदामों में खाल को नियम विरुद्ध भंडार कर रखा गया है, इससे उठती दुर्गंध से लोगों का यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया। लोगों की शिकायत पर DMSP ने मोहल्ला छड़ियान में आधा दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई गोदामों पर बाहर से ताला लगा था। DMSP ने बंद दरवाजे से झांककर देखा तो पूरे परिसर में मृत पशुओं के अवशेष बिखरे पड़े थे। इन्हीं स्थानों पर लोगों ने सुबह व रात में अवैध कटान करने का भी आरोप लगाया। लोगों की शिकायत पर दोनों अधिकारियों ने सख्त रुख अख्तियार किया। ऐसे गोदामों से DM ने भंडारण का लाइसेंस तलब किया। गोदाम मालिक लाइसेंस नहीं दिखा पाए, इस पर उन्होंने सभी लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दिया। SP ने हल्का दारोगा बाबू राम व बीट के सिपाही जतेंद्र को तलब किया और अवैध कटान की जानकारी मांगी। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्होंने दोनों को निलंबित करने का आदेश दिया। कोतवाल भगवत साह को SP ने चेतावनी दी कि अवैध कटान पर सीधी कार्रवाई होगी। मौके पर CEO कराना से SP ने कार्रवाई न करने पर जवाब तलब किया। CEO मौन मुद्रा में खड़े रहे। DMSP ने छड़ियान मोहल्ले में लगभग 1 घंटा पैदल घूमकर जांच पड़ताल की। इंडियन क्राइम न्यूज के लिए जनपद सामली से सहयोगी कैमरामैन सुखपाल सैनी के साथ सूरज सैनी की रिपोर्ट सामली। आपने यहाँ पे कुछ अवैध कटान के जो है प्लांट चले हुए थे लोकल में, क्या क्या मामला हुआ? नहीं देखिए, आज हम लोगों ने हमने और कप्तान साहब ने यहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने में यहाँ पर 2-3 जगहों पर बिना परमिशन के और बिना लाइसेंस के कुछ जानवर कटते हुए पाए गए, खासतौर से भैंसें जो है। तो इसमें हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई कराएंगे और जो भी जिनके भी प्रेमिसेज हैं, जिनके आते हैं और जिन लोगों के नाम इसमें जो है प्रकाश में आए हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये हल्का दरोगा के भी कोई संलिप्तता है? जैसे ये इसमें भी जांच करेंगे, इस बिंदु पर भी हम लोग जांच कराएंगे, क्योंकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर शासन तक हर जगह हर तरफ से ये निर्देश है कि किसी भी तरह से अनधिकृत रूप से कोई इस तरीके का काम ना हो। जिसको भी काम करना है लाइसेंस ले और जो पशु वधशाला इसके लिए नियत है वहीं पर ये कटान का काम हो। तो इस तरीके से ये तो गंभीर प्रकरण है और इसमें हम लोग इस बिंदु पर भी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद इसमें नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।